हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। एंड देखिए, मंडे को किस तरह की एक रैली रहती है उसके बारे में बात करेंगे हम। एंड फ्राइडे की ट्रेडिंग में देखें तो 2.5% के आसपास हमारा स्टॉक डाउन रहा है। हमने जो वीडियो किया था उसमें हमने आपको बताया कि टाटा पावर कंपनी का जो स्टॉक है हमारा टाटा पावर का, वो गिरा क्यों था। तो कई रीजन्स मैंने बताए थे आपको, ज़्यादातर हमारे एक्सटर्नल रीजन्स थे, इंटरनल रीजन्स नहीं थे। और वहाँ पर एक बिकवाली का माहौल बना था हमारा, जिसकी वजह से 2.5% के आसपास हमारा टाटा पावर गिरा था। और टाटा पावर ही नहीं, अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो आप देखिए कि निफ्टी एनर्जी में खासा दबाव दिखाई दिया था उस टाइम पर। फ्राइडे की ट्रेडिंग में 0.27% डाउन रहा है हमारा ओवरऑल निफ्टी एनर्जी सेक्टर ही। तो यहाँ पर आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि निफ्टी एनर्जी हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, सेंटिमेंट्स हमारे डाउनवर्ड जा रहे हैं और हमारा जो स्टॉक होगा उसी इंडेक्स का वो पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट दबाव में था। मार्केट से मेरा मतलब है कि निफ्टी एनर्जी की बात करें, इस केस में अगर हम टाटा पावर की बात कर रहे हैं तो निफ्टी एनर्जी हमारा दबाव में था। हालांकि सेंसेक्स ने हमारा हिस्टोरिकल मार्क टच किया था 50,900 के आसपास का, और को भी यही मोमेंटम जारी रह सकता है क्योंकि जो FII फ्लो आ रहा है, ग्लोबल क्यूज जो मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, सेंटिमेंट बहुत शानदार आ रहे हैं और ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है इस समय का। उससे लगता है कि आने वाला जो वीक है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी भरा हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि टाटा पावर का जो स्टॉक है हमारा वो मंडे से लेके फ्राइडे तक 8 तारीख से 13 तारीख तक किस तरह से परफॉर्म करने वाला है और कितना कुछ हमारा टारगेट आप लेके चल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, और नेक्स्ट वीक के क्या क्या लेवल हों जो आपको वॉच करने हैं और कौन कौन से इवेंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं ताकि आप मिस ना करें उन्हें एंड उनकी वजह से आप लॉस ना खाएं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बट इफ यू न्यू टू द चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें टाटा पावर की तो आप देखिए 2.5% हमारा डाउन रहा था। वॉल्यूम से स्टार्ट करने अगर हम तो वॉल्यूम हमारा 98 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम आया है। छोटा स्टॉक है, छोटे स्टॉक से मेरा मतलब है कम लोग इसमें इंटरेस्टेड है इस समय पर, बट स्टिल इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत गजब का आ रहा है, ठीक है। डिलीवरी परसेंटेज में आपको लेकर चलो तो आप देखिए डिलीवरी का हमारा 1 तारीख से 5 तारीख की जो एवरेज डिलीवरी हुई थी 25% के आसपास की डिलीवरी 1 फरवरी को थी, 2 फरवरी की बात करें तो 22% के आसपास की डिलीवरी, 3 फरवरी की बात करें 23% की, 4 की बात करें 20% की एंड 5 की बात करें तो थोड़ा सा और डाउनवर्ड गया हमारा, 15% की डिलीवरी हुई। तो डिलीवरी में गिरावट का माहौल बन रहा है यहाँ पर। जब भी डिलीवरी में गिरावट का माहौल बनेगा स्टॉक हमारा थोड़ा सा डाउनवर्ड, थोड़ा सा दबाव में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी वहाँ पे। जब भी प्राइस हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। वही कारण हमें फ्राइडे को भी देखने को मिला तो स्टॉक हमारा डाउनवर्ड गया है, ठीक है। अगर हमारा स्टॉक हमारा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 85-90 जाएगा तो मैं बेचूंगा, और ये इस समय पर डर का माहौल है। आप इंडिया विक्स को चेक करें अगर तो इंडिया विक्स हमारा पॉजिटिव रहा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में। इंडिया विक्स एक ऐसा इंडाइस मान सकते हैं आप इसे, या एक ऐसा इंडिकेटर मान सकते हैं आप इसे कि जब भी ये पॉजिटिव में रहेगा तो मार्केट में दबाव दिखाई देगा, चाहे वो इंडिया विक्स हो चाहे वो यूएस विक्स हो। तो अब देखें ये हमारा फ्राइडे को पॉजिटिव में रहा था और इसकी वजह से मार्केट में दबाव दिखाई दिया था। मंडे को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया विक्स हमारा नेगेटिव में जाएगा और हमारा जो ओवरऑल बाजार है वो पॉजिटिव में जाएगा, तो वो एक अच्छी खबर होगी हमारे लिए। और वहां से मुझे लगता है कि बाजार हमारा आने वाले हफ्ते में बहुत अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। FII फ्लो की बात करो तो FII फ्लो बहुत स्ट्रांग है हमारा, बहुत अच्छा खासा बाइंग हो रही है, बाहर से बहुत ज्यादा पैसा हमारे बाजार में आ रहा है। एंड फ्राइडे की बात करें तो जो हमारा मार्केट बंद हुआ तो उसके बाद डाउ फ्यूचर्स खुला और वहां से 125 पॉइंट्स हायर वो खुला था, गैप अप ओपनिंग हुई थी वहां पर, तो ग्लोबल क्यूज भी हमारे बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो वहां से मार्केट में ट्रेंड बहुत अच्छा सेट हो गया है, सेंटिमेंट्स बहुत शानदार हो गए हैं। बट स्टिल अगर टाटा पावर की बात करें तो थोड़ा सा दबाव में हमारा स्टॉक रहेगा अगले हफ्ते में, थोड़ा सा दबाव का माहौल, इसलिए कह रहा हूँ कि 3 दिन नेगेटिव हो सकता है, 2 दिन पॉजिटिव हो सकता है, बट ओवरऑल टाटा पावर का जो स्टॉक रहेगा वो पॉजिटिव रिटर्न नेक्स्ट वीक भी दे सकता है हमें। हम चार्ट पर भी चलेंगे और लेवल की बात करेंगे, बट उससे पहले आप इस हफ्ते का एक समअप कर ले तो इस हफ्ते में हमें 15-16% के आसपास एक पॉजिटिव रिटर्न मिला है। लास्ट वीक का मेरा वीडियो देखिए तो मैंने उसमें भी बोला था कि हमारा अगला हफ्ता बहुत पॉजिटिव रह सकता है ड्यू टू बजट एक्सपेक्टेशंस मीट हुई हमारी और उसका एक असर दिखाई दिया हमारी ओवरऑल मार्केट पर। मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया हमारा, निफ्टी की बात करें चाहे सेंसेक्स की बात करें, और नेक्स्ट वीक में भी यही होने वाला है। आप देखेंगे कि FII फ्लो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इसी वजह से सेंसेक्स हमारा 51,000 का जो हिस्टोरिकल लेवल है वो टच कर सकता है, और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हमारा 15,150 का लेवल टच कर सकता है। बट वहां से वो गिरेगा और 14,850 के लेवल पे वो सेट होगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना। तो बिकवाली का माहौल भी रहेगा हमारे बाजार में ओवरऑल, और वहां पर एक खरीदारी का माहौल रहेगा FII की तरफ से। टाटा पावर का जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा पसंदीदा है FII का, तो वहां पर इसमें एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। अब मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ, नेक्स्ट वीक के टारगेट समझते हैं, नेक्स्ट वीक के टारगेट देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं हमारे। तो आप देखिए कि ये हमारा चार्ट है टाटा पावर का, एंड मार्केट रैली में इसने अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया था, अच्छी खासी एक मार्केट मोमेंटम दिखाया था इसने, और चार्ट में बहुत सारे क्यूज हमें मिलते हैं यहाँ पर कि हमारा जो स्टॉक है वो नेक्स्ट वीक में किस तरह से परफॉर्म करेगा। तो आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मैग्डी की लाइन है वो बुलिश जोन में है, और बुलिश जोन में जब भी रहेगी तो हमारा जो मार्केट
ओवरऑल एवरेज मूवमेंट होगी वो पॉजिटिव होगी हमारे समय के साथ, ठीक है। आप देखिए हिस्टोग्राम हमारा ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में इसका एक असर दिखाई देगा और हमारा जो स्टॉक है वो ऊपर भागता हुआ दिखाई दे सकता है। पांच के पांच दिन आप ऐसे एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें थी हम कि हमारा ग्रीन जोन में ही बना रहेगा। वो जो बजट का बबल था हमारा वो बस्ट हो चुका है, उसका असर अब नहीं दिखाई देगा अगले हफ्ते में। अगले हफ्ते में जो हमारे इवेंट्स होंगे वो होगा हमारा FII फ्लो किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं, FIS किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं, DII किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स में किस तरह का एक मूवमेंट है, ग्लोबल क्यूज किस तरह से मिल रहे हैं, ये सारे इवेंट्स हमें हमारे नेक्स्ट वीक के मूवमेंट को प्रिवेल करेंगे, ठीक है। तो आपको उन पे नजर रखनी है। बजट का आप एक छोड़ दीजिए कि बजट अच्छा आया था तो उसकी वजह से नेक्स्ट वीक में भी मार्केट मूव करेगा, वो अब चला गया। नेक्स्ट वीक में ये कुछ इवेंट्स रहेंगे जो हमारे प्रिवेल कर सकते हैं और इनकी वजह से मार्केट हमारा ऊपर या नीचे जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स पॉजिटिव है हमारे। आप चाहे RSI की बात करें तो RSI भी हमारा 62 है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देती है। 2.5% के आसपास हमारा स्टॉक जरूर गिरा था, बट यहाँ से मुझे लगता है कि उछाल लेगा, और जो पहला हमारा सपोर्ट जोन बन रहा है 84 रुपीज के आसपास का एक सपोर्ट जोन बन रहा है, यहाँ तक स्टॉक हमारा नहीं गिरेगा, यहाँ से उछाल ले सकता है हमारा स्टॉक, ठीक है। फिर भी आपको ये लेवल वॉच करना है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि 84 रुपये का एक लेवल है हमारा, जहाँ तक स्टॉक मुझे लगता है डाउनवर्ड आ सकता है अगर बाजार में बिकवाली ज्यादा होती है तो मंडे को, ठीक है। तो मंडे की हम बात कर रहे हैं यहाँ, पूरे वीक की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वीक की मैं बात करूँ तो जिस तरह का चार्ट दिखाई देता है, जिस तरह के टेक्निकल दिखाई देते हैं और जिस तरह की FII फ्लो आ रहा है, अगला हफ्ता हमारा पॉजिटिव रहेगा। हफ्ते की बात करें तो मंडे को थोड़ी सी बिकवाली का माहौल देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। उस वजह से मैं बता रहा हूँ कि 84 का आपको लेवल एक वॉच करना है। जिन लोगों ने इस बार की रैली टाटा पावर की मिस कर दी थी उनके लिए एक लेवल बाइंग एंट्री का लेवल हो सकता है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, ये हमारा बाइंग पॉइंट हो सकता है। जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली थी, मिस कर दिया था, वहां पर बाजार अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो यहाँ पर कॉशियस रहना है आपने, ठीक है। नई बाइंग तभी करना जब आपको होल्ड करना हो 2-3-4 हफ्ते के लिए या 2-3-4 महीने के लिए, ठीक है। नई बाइंग तभी करें आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई पर है, यहाँ पर डर का माहौल है, इंडिया मिक्स भी हमारा पॉजिटिव गया था, थोड़ा सा सावधान होकर ही बाइंग करना किसी भी स्टॉक में। होल्ड कर सकते हैं वो अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी अगर आपने बाय कर रखा है। तो ऊपर की साइड की लेवल की बात करें तो हमारे नेक्स्ट वीक का जो पहला टारगेट है वो 95 का टारगेट रहेगा मेरा। मुझे लगता है अगर बाजार में इस तरह की पॉजिटिविटी आगे भी बनी रहती है तो वहां पर मुझे नेक्स्ट वीक में 95 रुपीज का एक पहला टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो दूसरा टारगेट हमारा 102 रुपये का है, और मुझे लगता है कि अगर हमारा ओवरऑल मार्केट ट्रेंड में रहता है, ओवरऑल FII फ्लो हमारा पॉजिटिव रहता है, DII भी पॉजिटिव रहते हैं, खरीदारी करते हैं, तो वहां पर हमारा स्टॉक टाटा पावर का वो 102 का टारगेट पूरा कर सकता है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। जिस तरह का एक मूव पिछले हफ्ते आया था 1 तारीख से 5 तारीख तक, उस तरह का मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं इसमें, बट स्टिल 87 से 95 और 95 से 102 जाने में से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 95 का मेरा पहला टारगेट रहेगा और मुझे लगता है 95 क्रॉस करने के साथ ही ये यहाँ पर साइडवेज में ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर बहुत अच्छी खासी बाइंग होती है टाटा पावर में तो ये 102 टच कर सकता है, बट वो थोड़ा सा हार्ड टारगेट है हमारा। 95 का मेरा पहला टारगेट रहेगा, 95 को 98-97 के आसपास का आप एक लेवल वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अगर 95-97-98 के पास प्रॉफिट बुकिंग का एक माहौल देखने को मिल सकता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप अगर चाहें तो, वरना होल्ड करना चाहें तो 102 का हमारा एक टारगेट रह सकता है। वो थोड़ा सा रिस्की टारगेट है बट स्टिल आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोअर साइड की बात करें तो 84 का हमारा पहला सपोर्ट जोन बनता है, और 84 का मुझे लगता है कि अगर हमारा स्ट्रांग बाइंग नहीं आती है और सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग मंडे में चालू होती है, वहां पर 84 के आसपास हमारा जो स्टॉक है वो होल्ड लेता हुआ दिखाई दे सकता है, बट ओवरऑल वीक हमारा पॉजिटिव में रहेगा मुझे लगता है। एंड आपको होल्ड करना है, स्टॉक को बेचना नहीं है, खरीदारी ना करें तो बेहतर है क्योंकि इस लेवल पर हमारा स्टॉक काफी ऊपर चढ़ चुका है, यहाँ पर बाइंग पॉइंट हो सकता है, बट होल्ड कर सकते हैं अगर आप 3-4 महीने के लिए तभी बाय करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के बाद आपको दो लेवल मैंने ऊपर के बता दिए, निचला हमारा लेवल 84 का आपको वॉच करना है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा, वो ब्रेक होता है तो स्टॉक हमारा नीचे आ सकता है, हालांकि ब्रेक नहीं होना चाहिए बट हु नोज द मार्केट। तो उसी के साथ फिर वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर